हेलो फ्रेंड्स, सोनाज के ट्यूटोरियल चैनल में आप सबका स्वागत है। आज आपके साथ शेयर करेंगे फ्रेंड्स इस गिट पर्दे डिज़ाइन का नेक्स्ट पार्ट, जो कि देखिए यहाँ तक हमने बना करके कंप्लीट कर लिया। देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए पूरा हमने जो झालर था ये कंप्लीट कर लिया है बना के। देख सकते हैं ये देखिए 1, ठीक है, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पर 5 हमने बना करके कम्प्लीट कर लिया। ये 2 हो गया, ठीक है, 3, 4 एंड 5। चलिए फिर आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, किस तरीके से इसको बनाएंगे, क्या करना है हमको इसमें। तो इसके लिए देखिए वाइट कलर का ही थ्रेड लेंगे, ठीक है। आप चाहते हैं तो कलर चेंज कर लीजिएगा, वरना कोई बात नहीं है। और वाइट कलर का थ्रेड देखिए इस तरीके से लेंगे, और सबसे पहले एक नॉट लगाएंगे सिंपल, ठीक है, जैसे आप लगाते हो लगा लीजिएगा। और क्रोचेट हुक हमारा देखिए इस तरीके से ले लेते हैं, वही है जो कि हमेशा यूज़ करते हैं, देख सकते हैं आप लोग। अब चलिए फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग आप यहाँ से इसको देखिए इस तरीके से सही कर लीजिएगा सारा, है ना। देखिए ये है ना, इस तरीके से हमें सारा कुछ सही कर लेना है। ये ऐसे रहेगा और ये ठीक है इस तरीके से, ये यहाँ से, ठीक है, ऐसे इस तरीके से। और जो ये फर्स्ट वाला है यहाँ से हमको स्टार्ट करना है। देखिए ऐसे, ठीक है, देखिए 3, 3, 6, 7, 8 एक साइड में, एक साइड में 3 हमने यहाँ पे चेन लिया और बना लिया 3 डबल क्रोशिया। देखिए ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं ये 1, 2 एंड 4 बना लेते हैं, ठीक है। देखिए बना लिया हमने यहाँ पे, फिर चेन लेते हैं 1, 2, 3, 4 चेन ले लेते हैं, एंड फिर इसको यहाँ पे है इसमें भी बना लेते हैं ऐसे ही, सेम वही प्रोसेस 3, 3, 6, 7, 8 यहाँ पे भी 1, 2, 3 और ये 4। देखिए इस तरीके से बनाया 1, 2, 3, 4, 4, 5 जितना आपको लेना हो ले सकते हैं। तो इसी तरीके से इसको बनाते हैं, ठीक है। इसका भी हाफ कर देते हैं इस तरीके से, देखिए 1, 2, 3 एंड 4, 1, 2, 3, 4 चेन लिया, फिर नेक्स्ट 3, 3, 6, 7, 8 यहाँ पे लेंगे 3, 7, 8, ठीक है, हाफ कर लेते हैं। फिर यहाँ वही देखिए इस टाइप में बना लेना है, तो यहाँ भी, फिर यहाँ देखिए हमने देखिए यहाँ पे इस तरीके से 2, 3 एंड ये 4 बना लेना है, ठीक है। फिर 1, 2, 3, 4 चेन लेंगे और लास्ट वाला इसको भी बना लेते हैं। बहुत ही इजी है, ठीक है, देखिए 1, 2, 3 एंड ये 4। अभी इसमें ये हम आपको पूरा कंप्लीट कर दिखा देंगे। फिर इसके लिए हमें पिंक कलर का थ्रेड लेना है, जो रानी कलर का थ्रेड है जो ये हमारे पास है, इसी कलर को लेकर के हमको यहाँ पे फिर पॉम पॉम फ्लावर भी स्टिच करने हैं, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम देख लेते हैं इस तरीके से। आप चाहते हैं तो पास पास भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम अभी थोड़ा दूरी रखेंगे, तो झालर इस तरीके से फैल करके आएगी ना तो अच्छी लगेगी, ठीक है ना। और उसके लिए फिर देखिए क्या करना है, इन दो को एक पास में रखना है, ठीक है, ऐसे देखिए, ठीक है। फर्स्ट इसको भी ऐसे ही फैला देंगे, देखिए सही कर लेते हैं, देखिए इस तरीके से ऐसे, देखिए
ठीक सही हो गया ना। ये देखिए इस तरीके से इसको हमने फैला लिया इस तरीके से। देखिए 3 दो 5 बनाया यहाँ पे, इसको भी फैला लिया। अब यहाँ पे देखिए चेन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 25 25 देख लेते हैं 25 26 27 28 29 30 रख लेते हैं। ठीक है अभी देखते हैं, फिलहाल 30 सही है फ्रेंड्स। ठीक है फिर लेते हैं इस तरीके से और इनको हाफ कर लेते हैं। देखिए तो 3 3 ये ठीक है ना। देखिए 1 2 एंड ये 3 4 1 2 3 4 तो ये रो ऐसे ही कंप्लीट करनी है। ठीक है तो इसको हम कंप्लीट करके आपको फिर दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप लोग, हमने इसका पूरा फर्स्ट पार्ट बना करके कंप्लीट कर लिया, मतलब फर्स्ट रो जो हमने कंप्लीट करनी थी इसको हमने कंप्लीट कर लिया, देख सकते हैं आप लोग। एंड ये देखिए सेकेंड रो हम स्टार्ट कर दिए यहाँ से, ये देखिए इस तरीके से देख सकते हैं आप लोग, ये सेकेंड रो हमने स्टार्ट किया है। तो सेकेंड रो में देखिए हम 4 चेन ले रहे हैं, ठीक है, और 4 डबल क्रोशिया बना रहे हैं तो स्पेस नहीं दे रहे हैं। देखिए यहाँ पूरा कंप्लीट कर लिया ना इस तरीके से। अब हमें ये वाला बनाना, देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 बनाया हमने बीच में, तो यहाँ भी हम 4 बना लेते हैं। ठीक है देखिए इस तरीके से इस रो में 1 2 3 4 फिर 4 का चेन लेंगे। ठीक है इतने इतने ऐसे खींचेंगे इसको, 1 2 3 4 का चेन लेंगे, फिर थोड़ी दूरी पे बना लेंगे 1 2 3 4। ठीक है देखिए इस तरीके से थोड़ी थोड़ी दूरी पे इसको ऐसे फैला लीजिए और इसको ऐसे। अब आप यहाँ पे 3 भी बना सकते हैं, 4 भी, जो जैसा आपको लगे सही वैसा आप बना लीजिए। देखिए फिर 1 2 3 4 का चेन लेंगे एंड फिर बना लेंगे। ठीक है 1 2 3 4 1 2 3 4 फिर यहाँ भी बना लेते हैं 1 2 3 4। ठीक देखिए हो गया इस तरीके से 4 बना लिया हमने, बीच में 4 ही बनेगा, 1 2 3 4 बना लेते हैं और फिर जितने ये गैप सारे हैं ना सब में बन जाएंगे। 1 डबल क्रोशिया 2 डबल क्रोशिया 3 डबल क्रोशिया एंड 4 डबल क्रोशिया। ठीक देखिए एक रो में फिर 1 2 3 4 का चेन, फिर नेक्स्ट ये गैप दिख रहा होगा इसमें भी बना लेते हैं 1 डबल क्रोशिया 2 डबल 3 डबल क्रोशिया एंड 4 डबल क्रोशिया। देखिए ठीक है तो इस तरीके से हमने इसको कंप्लीट करना है। देखिए इस तरीके से देख सकते हैं इस टाइप में बन के आ रहा है, तो ऐसे ही कंप्लीट करना है इसको। ठीक है तो फिलहाल हम कंप्लीट करके फिर दिखाएंगे आपको, है ना। ये देखिए काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी वीडियो इस तरीके से, तो देखिए इस तरीके से। और उसके बाद से फिर आप इसमें नीचे डिज़ाइन झालर लगाना है, अभी इसमें भी पम पम फ्लावर्स स्टिच करने हैं, अभी बहुत डेकोरेशन करना है, सब कुछ आपके साथ शेयर करेंगे स्टेप बाय स्टेप। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, वीडियो पसंद आती तो लाइक शेयर कमेंट कर दी, चैनल पर नए होंगे
चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि मेरी आने वाली नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोग को टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इसी तरीके से आप लोग को बना के कम्प्लीट करना है, जहाँ समझ में नहीं आएगा वहाँ मैं हूँ, आप लोग कमेंट्स करिएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर करती हूँ, तो बता दूँगी किस तरीके से बना है, ठीक है। और बाकी देख ही सकते हैं आप लोग बनके इतना ज़्यादा कंप्लीट हो गया है अभी, बाकी थोड़ा सा है, तो अभी इसमें पॉम पॉम फ्लावर्स स्टिच करने हैं, थोड़ा बहुत और वर्क इसमें बाकी जो कि हम आपको कंप्लीट करके दिखा देंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, बन वीडियो को एंजॉय करिए, और जैसा हो आपको समझ में नहीं तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है।